नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लोअर पीसीएस 2019 का 30 सितंबर का पहला शिफ्ट का पेपर आप लोग देके आ चुके हैं। उसमें बहुत सारे फीडबैक मिले हमको कई सारे स्टूडेंट से। एक इनिशियल एनालिसिस की किस किस हिसाब से क्वेश्चंस आए थे वो आपको दे भी दी जा चुकी है। अभी आप लोअर पीसीएस का बाकी एनालिसिस के लिए मैं बताता हूं यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, प्लस एक तारीख वालों को और क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पीडीएफ आपको फ्री वाले जो हमारे टेलीग्राम में अभी मैं लास्ट टाइम पे देने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें 150 क्वेश्चन आए थे। 150 में से जो 50 क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ्स के, उनको अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा सकती है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बताए जा सकते हैं। वो हमने पेड ग्रुप में कंप्लीट पूरा करवाया था, तो वो वाले क्वेश्चन तो किसी के रिपीट होते भी नहीं है। अगर होते भी हैं तो वो बहुत ही जो है फिगर विगर बदल दिया जाता है। बाकी जो 100 क्वेश्चन बचे हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 300 में से जो 200 नंबर हैं जो आपके हाथ में है, कैसे करना है पेपर, उसको अटेम्प्ट, सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बताई थी अभी पेपर के 3-4 दिन पहले ही, ठीक है। उसमें अगर आप देखें, मतलब एक चीज मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे, स्टूडेंट के फीडबैक से और प्लस जो एडुकेटर से हमने बात करी है, प्लस बहुत सारे लोगों ने भी फीडबैक दिया है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते होंगे तो आप उन 100 से कम 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए होंगे, कम से कम मैं बता रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा तो और भी ज्यादा लोगों ने किए होंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 100 क्वेश्चन में अगर आप देखें, 50 नंबर की जीएस आई थी। जीएस को लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं टफ आई थी, कुछ लोग मॉडरेट बोल रहे हैं। जो मैंने एनालिसिस किया, जो मुझे क्वेश्चंस मिले, उसमें सारे क्वेश्चन जो हमने लगभग करवाए थे। अगर आप करंट अफेयर की बात करें, सबसे पहले करंट अफेयर में जो जिसने पापा वीडियो देख लिया होगा जो मैंने भी एक हफ्ते पहले दिया था, लगभग उसका कोई भी करंट अफेयर छूटा नहीं होगा। उसमें सब कुछ कवर था, करंट अफेयर कोई भी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस से बाहर नहीं आया। आप चाहें तो पूरा वीडियो मिला सकते हैं। दूसरी बात, इकोनॉमी का जो पापा वीडियो था उसमें मैंने एग्रीकल्चर, मिनरल और प्लस जितने भी फैक्ट होते थे, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, सबके जो फैक्ट बताए हुए थे, वो वाले से करीबन डायरेक्टली 6 क्वेश्चन आए हैं। एक बात और बताऊं, कल मैंने एक यूपी जीके का वीडियो बनाया था, बेसिक सा जो वीडियो था, यूपी का नाम, यूपी डे, यूपी की राजधानी, ये सारी चीजें कल ही बताई थी। जो लोग हमको लास्ट तक फॉलो करते हैं उनको पता है, कई बार लास्ट में हम लोग ऐसे वीडियो देते हैं उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो कल वाले वीडियो से ही 3 क्वेश्चन आए हैं, प्लस एक हमारा जो है हमने आरओ के पेड ग्रुप में पैसेज करवाया हुआ था हिंदी के लिए, वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही पैसेज आया है आपके एग्जाम में। आप चाहे तो टेलीग्राम जो हमारा फ्री वाला है उसमें मैंने वो शेयर किया हुआ है स्क्रीनशॉट हमारे एडुकेटर ने, आप उसको देख सकते हैं। तो पहले शिफ्ट की एनालिसिस तो यही है कि 100 क्वेश्चन में आपके 75 क्वेश्चन जो है आप यहां से आराम से कर सकते थे। हिंदी सरल थी, हिंदी में पूरा का पूरा जो हमने पापा वीडियो दिया है, जो लोअर पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस था, अगर उसने पूरा देखा है किसी ने भी, आराम से आप 20 से ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे सही, ठीक है। तो सही ये हो गया हिंदी का, प्लस 25 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के आए थे, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, और प्लस जो कुछ थोड़ा बहुत ये मिनरल विंडल ये जो डेटा है वो पूरा का पूरा हमारे एनसीईआरटी साइंस का जो मैंने बड़े पापा वीडियो दिया था उसमें से आए हैं। तो जिसने भी हमको रिलीजियसली डेडिकेटली फॉलो किया, सिर्फ वीडियो भी अगर फॉलो किया है तो भी आपका जो है आराम से यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम से निकल सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में जो लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक चीज मेरी तरफ से है कि आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार जो है फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो हम वीडियो देते रहते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी अगर आपको आपने हमारा ये लगातार फॉलो किया होगा पिछले कुछ महीनों से, तो आपको आज ये फर्क समझ में आया भी होगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के क्वालिटी मटेरियल में और बाकी लोगों में क्या अंतर है, ठीक है। पहली बात तो ये, आप देखिए इसका कट ऑफ एनालिसिस अभी ऐसे नहीं की जा सकती है क्योंकि कई लोग जो है नंबर इन्फ्लेट करके बता देते हैं कई बार, तो कट ऑफ की चर्चा तो की ही नहीं जा सकती है। कट ऑफ ये जरूर हो सकता है कि 30 वाला है अभी, फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है, अभी सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस आने वाली है, ठीक है, फिर अभी 1 तारीख को 2 शिफ्ट होंगी, उन चारों के बाद ही कट ऑफ पता चल सकता है। लेकिन आप लोग ये जरूर बताइए, कम से कम अब आपस में भी एक दूसरे की हेल्प करिए, हमने इतनी आप लोगों की हेल्प करी है, तो अब आपस में जो आपके क्वेश्चन आए थे वो कम से कम यहां पर लिख दीजिए वीडियो के कमेंट में कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कहां कहां से आए थे, ये सारी चीजें जरूर लिखिए, ठीक है। और ताकि उसको 1 तारीख वाले जो लोग हैं वो देख सकें। 1 तारीख वाले लोगों के लिए बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन 2 चीजें आप जरूर कर लीजिएगा। एक यूपी जीके की इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वो मैं शेयर करने जा रहा हूं फ्री में। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसमें आप देख लीजिए, तुरंत अभी शेयर कर रहा हूं, कम से कम वो पीडीएफ पढ़ लीजिए। और दूसरी जो इकोनॉमी की पापा वीडियो वाली इंपॉर्टेंट है, वो हमने पहले ही शेयर कर दी थी पीडीएफ, लेकिन उसको फिर से शेयर कर रहा हूं। इन दोनों पीडीएफ को जाते जाते पढ़ लेना, 2-3 घंटे का काम है, आराम से कर लोगे यार। 1 तारीख को जो है जो जा रहे हैं बस में बैठे हो कहीं भी, पीडीएफ पढ़ते हुए चले जाना,
ठीक है, तो ये एक लास्ट में है। और प्लस अपने ऊपर भरोसा रखना यार, अगर आपने किया है अच्छे से काम, अच्छे से पढ़ाई की है, ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, कर क्या होगे। बिल्कुल एक चीज और है, जैसे मैंने बताई थी एग्जाम को कैसे आपको जो है अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, ज्यादातर लोगों ने बताया कि उन लोगों ने जो है अटेम्प्ट मैक्सिमम करने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया भी था कॉन्सेप्ट कि 1/4 जब भी निगेटिव मार्किंग होती है तो मैक्सिमम ही करना चाहिए। अगर आपके 10 में से 10 आपने तुक्के मारे, 2 भी सही हुए, अगर 2 भी सही हुए तो भी आप मतलब कुल मिला के लॉस में नहीं रहोगे, क्योंकि 8 यहां पे क्या है, 1/4 माइनस मार्किंग है। मतलब कि क्या है कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका एक सही वाला काट दिया जाएगा। तो 10 में अगर आपके 2 सही हैं तो भी 8 जो है गलत है, तब भी मतलब न्यूट्रल पोजिशन नहीं। अगर आपके 10 में से 4 सही है और 6 गलत हुए तो आपको जो है 2.5 क्वेश्चन का नंबर मिल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आप फायदे में रहोगे। ठीक है, इनिशियल रिसर्च यही है कि हिंदी का जो है पेपर काफी इजी सा था, जीएस का थोड़ा सा मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन थोड़े पुराने जाके पूछे, तो यूपी SSSC की आदत है वो। अब देखो पूरा क्वेश्चन पेपर तो नहीं करने देंगे वो, सिंपल सी बात है, तो 3-4 क्वेश्चन वो डालते ही ऐसे ऐसे। ये आदत यूपी PCS की भी है कि पूरा क्वेश्चन ना करने दिया जाए, इसलिए कुछ थोड़े से उलझुल सवाल टाइप जरूर डालते हैं। लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, मैथ रीजनिंग वाला जो है वो भी पोर्शन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, वो भी आपने किया होगा अच्छे से, उसको सबसे लास्ट में ही करिएगा एक वाले। ठीक है, और कट ऑफ के लिए आप लोग प्लीज सही सही ईमानदारी से बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इस वीडियो के कमेंट में सारे लोग अपने करिए कि कितने आपने जीएस में सही किए हैं, मतलब कितने अटेम्प्ट किए ये बताइए आप। आंसर की तो अभी कल परसों में आ जाएगी, तब आप बताएंगे सही। अभी आप बताइए अटेम्प्ट कितने किए हैं जीएस में, हिंदी में, रीजनिंग में, और आपका जो है ये मैथ्स में, इसमें और प्लस साइंस में। कुल मिला के बात ये कि थोड़ा भरोसा रखिए, लास्ट टाइम पे ये जो दो PDF है ये मैं दे रहा हूं, ये पढ़ लीजिए। साइंस की भी एक इंपॉर्टेंट कुछ पिक्स है वो मैं शेयर कर दे रहा हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल में। कट ऑफ की एनालिसिस 1 तारीख को जब चारों पेपर हो जाएंगे शिफ्ट के, उसके बाद ही की जा सकती है। लेकिन तब तक आप लोग आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करिए, क्वेश्चंस बता दीजिए, कम से कम आपस में डिस्कस करिए कि कहां किसका अगर कोई सेंटर है, कमेंट में देख लीजिए कुछ, अगर कोई एक दूसरे की मदद कर सकता है तो जरूर करिए यार, एक दूसरे की मदद करना सीखो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और बिल्कुल ध्यान से करके आना 1 तारीख वालों को, बिल्कुल एकदम जोश में रहना है, और बिल्कुल जोश में ये है कि मतलब कॉन्फिडेंट रहना है। कुल मिला के ऐसा नहीं कि आप ये कोई बोल रहा है कि जीएस बहुत टफ आया था तो एकदम आप डर जाओ कि यार मेरा क्या होगा। अरे मेरा कुछ नहीं, सबकी कंडीशन वही रहती है, जब तक वो एग्जाम से पहले जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक सबकी कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है।